क्या सज्जाद अगर मदीना है मुझे नाना की कब्र पर ले जा। पहुंची, अल्लामा मजलिसी जैसा आलिम लिखता है, नाना के रोजे पर ऊंट से ऐसे गिरी जैसे गाजी घोड़े से गिरा था। अली की अली बेटी उठी, जेहोड़िया रसूल में हाथ डाला। अली की अली बेटी काफी देर चुप खड़ी रही, एक घंटा चुप रहने के बाद चार जुमले कहे। एक घंटे के बाद पहला जुमला रो के कहती है, जमाने का रसूल बागी की बहन सलाम कहती है। आगे बढ़ी, कब्र से आवाज आई, बेटा कौन कौन से जुल्म हुए। रो के कहती है, नाना पछताएगा वो जुल्म जो ज़ैनब पे नहीं हुआ। तीसरा जुमला, अली की बेटी ने गठरी को खोला, हुसैन के खून भरे कुर्ते को निकाला और एक मरतबा कुर्ता रसूल की कब्र पर बिछाया। कब्रे रसूल में जलजला आया, पैगंबर कमर तक बाहर आए और कहा, ज़ैनब हुसैन की कमीज उठा ले। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, नाना बस मर्द होकर चादर बर्दाश्त नहीं कर सके, मुझे देख नाना, मैं 70 कदम पर सर पे कुरान रख के कहती रही ना मारो। आखिरी जुमला अदादारों ने आज हुसैन देख लिया मेरी तरफ, अली की बेटी पीछे हटी और कहा, नाना अगर तेरे पहलू में ये दो ना महरम ना होते तो आस्तीनों से कपड़ा हटाकर तुझे दिखा दी कि 36 शहरों में किस तरह से हथकड़ियां पहनती।